साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पे। साथियों आज हम ऐसे जीव की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे किसान भाइयों के खेतों में। जो लोग सब्जियां करते हैं जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, करेला है और गेहूं और धान, यानी कि ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें यह कीट ना लगता हो। इसका नाम है सूत्रकृमि या इसको नेमाटोड के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही छोटा वायरवर्म जैसा सूक्ष्म जीवों वाला मुलायम शरीर वाला जीव होता है। यह जड़ के साथ साथ तना, पत्ती व कलिका को भी आक्रमित करता है, संक्रमित करता है। नेमाटोड के द्वारा फसलों में बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। मैं इसकी अगर प्रजाति के बारे में बात करूँ तो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसी प्रजाति हैं जो मिट्टी में रहती हैं, और इन ऐसा नहीं है कि सारी के सारी हानिकारक हैं, नुकसान देने वाली हैं। कुछ इसमें प्रजाति ऐसी भी हैं जो मित्र भी हैं, जैसे हेटोरेप्टिस इंडिका है, स्टिनरनिमा कार्पोकैप्सी है। इन दोनों प्रजातियों को एक कंपनी है साउथ की, बेंगलोर की, जो मल्टीप्लेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसने सोल्जर और बाउंसर के नाम से प्रोडक्ट निकाले थे जिसमें ये दोनों ही निमाटोड जो है इंसेक्टिसाइड हैं, यानी कि इंसेक्ट को किल करने वाले हैं। जैसे दीमक है, सफ़ेद सूंडी है, या सूंडी ऊपर से लगती है जैसे अमेरिकन सूंडी है या स्पोडोप्ट्रा है, ये जो इस तरह की जो सूंडी हैं उनको भी कंट्रोल करती है। यानी कि इसका स्प्रे भी होता है और ज़मीन में सॉयल एप्लीकेशन भी होता है, लेकिन चूंकि इसका एप्लीकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि कीट के संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कीट के संपर्क में नहीं आएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, चूँकि ये भी उसका परजीवी है, उसको किल करने वाला है। ये उसके शरीर में जा करके बैक्टेरॉइड्स भी छोड़ता है जिससे कि वो इसमें इन्फेक्शन करके उसको धीरे धीरे किल करता है। तो मार्केट में प्रोफेशनली ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हैं। तो मित्र जीव भी हैं नेमाटोड जो है, लेकिन नुकसान देने वाले ज़्यादा हैं। इनकी बहुत सारी स्पेसीज हैं जो नुकसान करती हैं, जैसे सिस्ट है, रूट नोट नेमाटोड, जितने भी ये सब्जियां हैं, बैंगन, मिर्च, टमाटर, बैंगन, इनमें सब में रूट नोट नेमाटोड लगता है। सिस्ट नेमाटोड जो आलू में लगता है, रेनिफॉर्म है, स्पाइरल है, बहुत सारे बरोइंग है, बहुत सारे नेमाटोड्स हैं जो लगभग सभी फसलों को नुकसान करते हैं, चाहे वो अनाज वाली फसलें हों, चाहे सब्जी वाली फसलें हों, चाहे फल हों, किन्नू है, संतरा है, नींबू है, इन सब में ही ये नेमाटोड की समस्या आती है। साथियों नेमाटोड के लार्वा अंडे से निकलकर जड़, तना, पत्ती व कलिका पर आक्रमण करते हैं और ये जड़ भेद करके अंदर घुस जाते हैं। जब अंदर घुस जाते हैं तो फिर अपने आप को परजीवी करके जिंदा रखने के लिए पौधे से खुराक लेते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। जब संख्या इनकी बढ़ने लगती है तो वहाँ पर गांठें बनने लगती हैं और पौधे से भोजन की सप्लाई, यानी कि जो जड़ क्षेत्र में भोजन पड़ा हुआ है वो पौधे को मिलना बंद हो जाता है। एक बार जब पौधे को भोजन मिलना बंद हो जाता है तो पौधा मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, जड़ गलने लगती हैं, और जड़ गलने के साथ साथ जब गलन होती है तो वहाँ पर फफूंद भी आ जाती है। जब इसका आक्रमण होता है तो पौधा सूखने लगता है, और इसके लक्षण जब हम देखते हैं तो पौधा पीला होकर के सूखता है और साथ में पत्ती गड्ढे युक्त भी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, गड्ढे युक्त हो जाती हैं। कभी कभी ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं कि पौधे का एक भाग सूख रहा है, दूसरा नहीं सूख रहा है। पहले भाग सूखता है, आधा भाग पौधा सूखता है, फिर दूसरे धीरे धीरे दूसरा भाग भी सूखने लगता है। तो ऐसे करके ये जो है पौधे को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। यानी कि अगर हम इसके आक्रमण की बात करें तो लगभग 30 से लेकर के 50-60% तक इसका नुकसान होता है, कभी कभी ये पूरे खेत को ही बर्बाद कर देता है। साथियों अब इसके बात करते हैं नियंत्रण की। देखिए ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, यानी कि जो भी आप औजार
मान लीजिए कोई भी खेत ऐसा संक्रमित है और वहाँ से आपने कोई भी खुरपा फावड़ा या हल जुताई के यंत्र वो इस्तेमाल किए और फिर दूसरे खेत में ले गए, तो ये वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। कोई भी प्लांटिंग मटेरियल आपको बाहर से ले करके आना है तो उसको उपचारित करके लगाएं। उपचारित करने के लिए आप जो इसका फंगस आता है पेनिसिलोमाइसिस लिनासिनस वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नीम की खली नीम का तेल से भी आप इसको उपचारित कर सकते हैं। तो प्लांटिंग मटेरियल जब भी लाएंगे तो उसका ध्यान रखें कि वहाँ वो पहले से ही संक्रमित ना हो, और यदि है भी तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जहाँ लगा रहे हैं, ख़ासतौर से पॉली हाउस में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर ठंडा होता है और एक बार यदि उसमें एंटर कर गया फिर निकलना मुश्किल होता है, तो उसके लिए जो है शुरू में वैसे तो उस मिट्टी को ट्रीट भी फार्मलिन से ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी वो रह जाता है। नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो महुआ की खल है, सरसों की खल है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीम के इसके लिए बेस्ट है, नीम का तेल भी इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी कि निमाटोड के प्रतिरोधी जो वैरायटीज़ हैं उनका आप इस्तेमाल करें। अगर हम मेन फसल के साथ साथ में कुछ ऐसी फसलें लगा दें कि जो इसको कंट्रोल करती हैं या उनका उनका जो अटैक है वो उन पौधों पर हो जाता है, जैसे गेंदा है वो दूर भगाते हैं उसको, जो है गेंदा है, सरसों है, सतावर है, कैलेंडुला है, इन फसलों का भी आप इंटरक्रॉपिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये पौधे लगे होंगे या कोई भी फूल वाले पौधे लगे होंगे तो काफ़ी मात्रा में निमाटोड कंट्रोल होता है, वो अपने आप ही दूर भग जाता है। इसके अलावा सौरीकरण यानी कि जब तेज़ धूप होती है मई और जून के महीने में तो आप एक बार जुताई कीजिए, मतलब पानी दे करके या जुताई करके हल्का सा नमी दे दीजिए, नमी उसमें रहनी चाहिए, उसके बाद पॉलीथीन उस पर बिछा दीजिए और करीबन 20 से 30 दिन 40 दिन तक आप उसको ऐसे ढके रहने दें, यानी कि जब ऊपर से सूर्य की किरणें उस पॉलीथीन पर जाएंगी और नीचे हीट जनरेट होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो लार्वा हैं उसके जो एग्स हैं वो अब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सौरीकरण बोलते हैं उसको। टेम्परेचर अधिक होने के साथ जब हो वो रहेगा तो वो क्लाइमेट में उसमें रह नहीं पाता है, तो वो भी एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का। इसके अलावा जो कुछ केमिकल्स खेती करने वाले लोग जो है वो फ्यूराडान का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूराडान है, फोरेट है, उससे कंट्रोल तो हो जाता है एक दो बार के लिए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रेड कलर का ट्रायंगल वाला पेस्टिसाइड है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब तो उन कीटों ने जो और भी दूसरे कीट हैं या कह सकते हैं नेमाटोड है उसने उसके प्रति रेजिस्टेंस पावर अपने अंदर डेवलप कर ली है, तो फ्यूराडान से कंट्रोल वो आसानी से होता नहीं है। आप कोशिश कीजिए फसल चक्र ज़रूर अपनाएं, क्योंकि जिस खेत में निमाटोड आ चुका है, चाहे वो बैंगन टमाटर खीरा मिर्च आपने जो भी लगाया हुआ है, आप उसमें एक से दो साल के बाद उसमें ये फसलें ना लगाएं जिससे कि वो रिपीट ना हो, तो फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा नियंत्रण जो है इसका साथियों बायोपेस्टिसाइड्स है, यानी कि दो तरह के ऐसे फंगस हैं, एक तो पेनिसिलोमाइसिस लिनासिनस और दूसरा वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम। ये दोनों ही फंगस जो है बहुत अच्छे मार्केट में आपको मिल जाते हैं, आप बहुत सारी कंपनियां इनको बना रही हैं, अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए, उसमें एक्सपायरी डेट देख लीजिए, डब्बा फूला हुआ ना हो, पीएच ठीक हो और उसमें नमी प्रॉपर हो, यदि सूखा ले रहे हैं, पाउडर ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, दूसरा जहाँ वो रखा है उस दुकानदार ने कहाँ रखा हुआ है, टेम्परेचर उसका ठीक होना चाहिए, पता चले कि वो बाहर उसने रखा हुआ है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, अंदर रखा है रूम टेम्परेचर पे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ले सकते हैं। लाने के बाद उसको आप 2 से 5 किलो, यदि ज़्यादा आक्रमण है तो कम से कम 5 किलो, नहीं तो 2 किलो बहुत है पाउडर में, यदि लिक्विड की बात करें तो 1.5 से 1 लीटर या 2 लीटर बस इतना ही आप लीजिए, उसमें 1.5 से 1 किलो गुड़ मिलाइए, गोबर की खाद ले लीजिए लगभग 200-250 किलो या 500 किलो, उसमें मिक्स करिए, नमी बना करके तुरंत भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो 2 से 4 दिन या समय आपके पास है तो 8 से 10 दिन तक भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि नमी उसमें रेगुलर रहनी चाहिए, छाँव में आप उसे मिक्स करें और इसको आप खेत की तैयारी करते समय डाल दीजिए। यदि बहुत ज़्यादा अटैक है तो बाद में पहले या दूसरे पानी पर भी डाल सकते हैं, यानी कि जब आप इस्तेमाल करें तो खेत में नमी होनी बहुत ज़रूरी है, नमी होगी तभी ये नीचे परकुलेट करके जड़ के नज़दीक जाएगा और जहाँ भी निमाटोड है वहाँ ये फंगस उसके टच में आएगी और टच करते ही उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देगी और धीरे धीरे उसकी संख्या को घटा करके वो जो समस्या है ख़त्म हो जाएगी, गांठे बननी बंद हो जाएंगी, पौधा फिर से हरा होने लगेगा और फिर जो है अच्छे से आपकी फसल को ये बैकअप देगा, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड बहुत अच्छा काम करता है,
तो साथियों, मैंने आपको आज निमाटोड के बारे में बताया, जो हमारी बायोपेस्टिसाइड की सीरीज़ थी उसी के चलते बीच में काफ़ी गैप हो गया। तो अगर इससे संबंधित कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, सीधे मेरे से बात भी कर सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे किसानों तक पहुँचाइए जहाँ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि वो बेसिक जानकारियाँ, ग्राउंड की जानकारियाँ आपके लोगों तक पहुँचें। इसीलिए हमने इस चैनल को बनाया है और हमारा कोशिश है कि हम जो है मैक्सिमम फार्मर्स के पास पहुँचें, और उन जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं, जो खेती करने में दिक्कत आ रही है, जैविक खेती करने में या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे सीधे वार्ता भी कर सकते हैं। तो आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।